वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या द रॉक सही में रेसलमेनिया 39 के अंदर देखने को मिलेंगे या फिर नहीं देखने को मिलेंगे, या फिर एक बार फिर से वो झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। इन सारी अपडेट्स के ऊपर क्या कुछ कहना है मैं वीडियो के अंदर बात करूंगा, अपडेट के बारे में स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, मतलब डिटेल में बात करेंगे द रॉक वाले अपडेट के बारे में। एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि भाई कर्ली टू हमें बैकलैश में देखने को मिल सकते हैं बैकलैश 2023 के अंदर। लेकिन ब्रे वर्सेस जो बॉबी लैशली का मैच प्लान किया गया है रेसलमेनिया 39 के अंदर, क्या ये हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो भाई इन सारी चीजों के बारे में आज तो इस वीडियो में फाड़ के रहेंगे भाई, मतलब डिस्कस तो करके रहेंगे। एंड हाँ, जिसने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते फिर टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और यह हमें देखने को मिल रहा है ब्रे वाइट एंड बॉबी लैशली को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो मैं आप लोग को एक काफी इंपॉर्टेंट थिंग बता देना चाहता हूं। कुछ दिनों से स्मैकडाउन के अंदर हमें ब्रे वाइट नहीं देखने को मिल रहा है। मैंने बहुत सारी अपडेट वीडियो के अंदर भी कवर करके आप लोग को इन्फॉर्म किया है, बताया है कि भाई ब्रे वाइट हमें लाइव इवेंट के अंदर भी मौजूद नहीं देखने को मिले, और ब्रे वाइट हमें स्मैकडाउन के अंदर नहीं देखने को मिले, और जो ब्रे वाइट है वो ना ही हमें बहुत सारे शोज के अंदर डब्ल्यू के अंदर करेंटली देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन है, क्या ऐसी सिचुएशन है कि जिसकी वजह से हमें ब्रे वाइट नहीं देखने को मिल रहे? क्या उनको इंजरी है या फिर ब्रे वाइट के साथ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है? तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि कुछ रिपोर्ट्स हमें यहां पर यह देखने को मिल रही है कि ब्रॉक लेसनर तो नहीं लड़े, लेकिन जो बॉबी लैशली लड़ रहे, तो बॉबी लैशली वर्सेस ब्रे वाइट की जो स्टोरी लाइन की शुरुआत देखने को मिली है वो काफी ज्यादा वीक देखने को मिली है कुछ अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स के, मतलब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वही। तो उनका यह मानना है कि जो शुरुआत देखने को मिली है वो काफी वीक देखने को मिली है, और जैसी स्टोरी लाइन बनाई जा रही है वो काफी वीक है। तो ऐसे में यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेकर बहुत ही कम कंसीडर कर रही है ब्रॉक वर्सेस बॉबी लैशली, सॉरी बोल रहा हूं मैं, ब्रॉक वर्सेस, अरे यार ये ब्रॉक लेसनर ने कैंसिल कर दिया ना ब्रे वाइट के साथ में लड़ना, तो क्यों नाम ले रहा हूं मैं इसका बार बार। वैसे बॉबी लैशली की बात कर रहे हैं, तो बॉबी लैशली यहां पर ब्रे वाइट के साथ में रसल करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये मैच भी अब डाउट में है। यस, आपने सही सुना, अब ये मैच भी डाउट में है कि क्या हमें ब्रे वाइट वर्सेस बॉबी लैशली देखने को मिलेगा भी या फिर रेसलमेनिया 39 के अंदर नहीं, क्योंकि करेंटली इसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, स्टोरी लाइन जो स्टोरी राइटर है उनके बीच में भी बहुत कुछ चल रहा है। तो भाई लेट्स सी इस मैच को लेकर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, मे बी ये मैच कैंसिल भी होते हुए दिखाई दे सकता है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी लाइन तो शुरू कर दी है तो हो सकता है कि पॉसिबली हमें ये मैच देखने को भी मिले। वेल लेट्स सी इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आती है, लेकिन करंटली ऐसा ही कुछ हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इसके ऊपर आपके थॉट्स क्या है कॉमेंट में जरूर बता देना। अब बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है कर्लीटो को लेकर। तो कर्लीटो को लेकर अपडेट हमें यहां पर ये देखने को मिला है कि जो कर्लीटो है इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश 2023 के अंदर लाना चाहती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्यूर्टो रिको में हमें जो देखने को मिलेगा बैकलैश वो वहां पर देखने को मिलेगा पे पर व्यू, जो कि ऑब्वियसली एक काफी बढ़िया पे पर व्यू हमें देखने को मिल सकता है, और पहली बार हमें यहां पर बहुत दिनों बाद प्यूर्टो रिको में कोई पे पर व्यू देखने को मिल रहा है, कोई शो देखने को मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो भाई काफी अच्छी खासी बात है। एंड ऐसे में यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई डिस्कस कर लिए कर्लीटो को वापस लाने का, और वो बैकलैश के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि एक सरप्राइज रिटर्न कर्लीटो का देखने को मिल सकता है बैकलैश 2023 के अंदर। तो ये काफी बढ़िया न्यूज है। वेल होप करते हैं कि काफी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले और कहीं कर्लीटो का यूज भी हो बैकलैश के अंदर, तो काफी बढ़िया रहेगा। तो इसके ऊपर आपके थॉट्स कमेंट में बता देना भाई। कर्लीटो आएंगे एप्पल लेके जूठा वाला फेंक देंगे मुंह में, किसी के भी थूक देंगे, क्या कह सकते हैं। लेट्स सी, वैसे अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। वैसे ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जिस अपडेट के कारण मुझे टोपी पहनना था, वैसे कुछ वीडियोस में नहीं कर पा रहा जो कि फेस कैम, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अपडेट यहां पर ऐसी देखने को मिली है कि भाई द रॉक रेसलमेनिया 39 के अंदर आ सकते हैं। तो लुइस डैनजूर एंड ऑल्सो रसल वोट्स, इन दोनों की जो कि जुगलबंदी चल रही है, कोलैबोरेशंस चल रहे हैं, तो कोलैबोरेशंस में ये लोग अपडेट देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इनकी तरफ से रसल वोट्स और लुइस डैनजूर की तरफ से अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है गिव मी स्पोर्ट्स की तरफ से, जिनका ये कहना है कि रेसलमेनिया 39 के अंदर मे बी द रॉक को पॉसिबली रिटर्न करवाते हुए दिखाई दे सकती है अगर रोमन रेंस टाइटल रिटेन करते हैं, तो देन इसके बाद हमें रोमन रेंस के अगेंस्ट में द रॉक का रिटर्न देखने को मिलेगा, और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के इस फ्यूड को रेसलमेनिया 40 के लिए ले जाते हुए दिखाई दे सकती है। ऐसा कुछ यहां पर मानना है इस रिपोर्ट्स का।
भाई मैं पहले ही अपने हाथ खड़े कर रहा हूँ इस अपडेट को देने के बाद। देखो ये अपडेट गलत होता है तो मेरे ऊपर आके मुंह पे मत तमाचे मारना, क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने पहले भी ये अपडेट दे रखा है, मेरे साथ क्या हो रखा है मैं जानता हूँ। तो ऐसे में अब क्या कहना चाहोगे आप लोग को क्या लगता है इन्होंने जैसा अपडेट दिया है रसल वोट जैसे सोर्सेस ने और ये गिव मी स्पोर्ट्स वाले ने, तो क्या कहना चाहोगे इस अपडेट के ऊपर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आपका क्या कहना, क्या लगता है ऐसा कुछ होगा भी या फिर नहीं होगा। एंड ऑल्सो इनका ये भी कहना है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन द रॉक इनको लेकर ऐसे कुछ प्लान्स हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पर एक साल पहले से इसलिए बुक करना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि यानी कि ट्रिपल एच चाहते हैं कि द रॉक और स्टोन कोल्ड इनका जो शेड्यूल है वो क्लियर रहे रेसलमेनिया 40 के लिए। अब लेट्स सी भाई क्लियरली ऐसा कुछ देखने को मिलता भी है या फिर नहीं देखने को मिलता है, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। तो क्या कहना है इन सारे अपडेट्स के ऊपर, आपके थॉट्स आपके ओपिनियन क्या है भाई कॉमेंट में बता देना। वीडियो अगर पसंद आई है छुट्टी भर भी थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है, जाके फॉलो कर लो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।